फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए किचन टिप्स लेके आई हूँ। आज बारिश और गर्मियों में आप चींटी से अगर परेशान है तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप इसके लिए आप स्लैब की क्लीनिंग भी पानी में नमक डाल के कर ले, और घर में अगर आप पोछा लगाने वाले हैं तो उस पानी में भी नमक ऐड करके उससे आप घर की पोछा करेंगे, तो आप नमक से आपकी चींटियाँ घर में नहीं घूमेगी। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। दूसरा है हमारा अदरक। अदरक बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है फ्रिज में अगर आप रखते हैं, तो उसे आप किसी ग्लास के जार में डाल करके उसे बंद करके फ्रिज में स्टोर करें, ये बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगी। तीसरा है हमारा नींबू से जुड़ा हुआ। नींबू भी आप फ्रिज में रखते हैं तो बहुत जल्दी उसके छिलके ब्राउन होने लगते हैं, उसे भी आप अगर फ्रेश रखना चाहते हैं तो उसे ग्लास के जार में डाल के उसे बंद करके फ्रिज में रखें, ये बहुत लंबे टाइम तक आपका फ्रेश रहेगा। चौथा है हमारा रिंग वाले पर्दे क्लीन करने का तरीका, जो बहुत ईजी है। अगर आप इसे इस तरीके से वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो इसके रिंग निकल जाते हैं, तो मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप अगर इसे क्लीन करेंगे वॉशिंग मशीन में तो रिंग में कोई भी हानि नहीं पहुँचेगी। इसके लिए हम इसे रिंग को एक जगह अरेंज कर लेंगे, उसके बाद हम इसे रस्सी की मदद से बांध देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत टाइट करके बांधिएगा। और यहाँ पे अब हम वॉशिंग मशीन में इसे वॉश करने वाले हैं। वॉशिंग मशीन में मैंने पानी ले लिया है, इसमें मैंने लिक्विड डिटर्जेंट यूज किया है, इससे पर्दे की शाइन बनी रहती है। इसमें सोडा नहीं होता है तो आपका पर्दा लंबे टाइम तक एकदम नए की तरह ही रहेगा। मैंने इसे थोड़ा चला लिया है, अब हम इसमें पर्दा डाल देंगे और इसे वॉश कर लेंगे। ये तरीका से वॉशिंग मशीन में आपके रिंग वाले पर्दे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब ये वॉश हो चुका है तो अब हम इसे ड्राई भी ड्रायर में ही करेंगे। तो ड्रायर में भी वॉश करने के लिए मैंने इसे निकाला और इसे डायरेक्ट हम इसे ड्रायर में डाल देंगे, और आप ध्यान रखेंगे कि इसका रस्सी हमारा बंधा ही रहना चाहिए। अब इसे आप ड्रायर में भी जिस तरीके से वॉश करते हैं आप बिल्कुल उस तरीके से वॉश कर लें। अब इसे ड्रायर से निकाल के हम रस्सी को खोल देंगे और आप देख सकते हैं कि आपका रिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा था। अब हमारा यहाँ पे पांचवा है झाड़ू। झाड़ू जो हम नया लेके आते हैं उससे फूल बहुत मात्रा में झड़ती है। फूल झाड़ू आप देख सकते हैं, बहुत महीनों तक इससे फूल निकलते रहता है। इसे एक बार में ही हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसके लिए मैंने कपड़े धोने वाला ब्रश का यूज किया है और इसी तरीके से हम इसे ब्रश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका फूल निकल जाएगा। हम बीच बीच से खोल खोल के भी इसे ब्रश की मदद से निकालते जाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से करना है, और आप देख सकते हैं कितना फूल इससे निकल रहा है। जो हम महीनों तक इसे झाड़ू करते हैं तो निकलता ही रहता है। इस तरीके से एक ही बार में सारा निकल जाएगा और आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हमारा छठा है बाथरूम के टाइल्स को क्लीन करने का तरीका, और आप देख सकते हैं जो ब्लैक ब्लैक धब्बे हो गए हैं, ये बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम मेहनत में क्लीन हो सकता है। इसके लिए हमें चाहिए हार्पिक। हार्पिक बहुत ही अच्छा क्लीनिंग करता है, तो इसे हम किसी ब्रश में ले लेंगे। मैंने स्क्रॉच ब्राइट वाला ब्रश में ले लिया है, और इसे अब हम हल्का पानी लगा करके इसे रब करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके टाइल्स का पीलापन भी क्लीन हो जाता है और जो काले धब्बे पड़ गए हैं टाइल्स पे वो भी निकल जाएंगे। बहुत ही कम मेहनत में ये हो जाता है, बस आपको कुछ नहीं करना, इसे हल्का रब करना है। तो मैंने जहां जहां धब्बे थे मैंने वहां पे इसे बहुत ही आसानी से क्लीन कर लिया है। बहुत ही इजी मेथड है इसे क्लीन करना, और अब हम इसे पानी की मदद से साफ कर देंगे। और आप देख सकते हैं फर्क, मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था इसमें कितने काले धब्बे पड़ गए थे, अब ये बिल्कुल नए की तरह हो गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टिप्स आपके काम के होंगे। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं और आपके लिए यूजफुल होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर टैप करें। धन्यवाद।